नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज हम लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ, बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जय माँ बगलामुखी। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपको फाइनेंशियल रूप से पैसों के रूप में स्ट्रांग बनाने वाले एक महामंत्र को। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको दूसरों की बताई हुई लकीर पर नहीं चलना है, खुद के विवेक से, खुद के दिमाग से कोई डिसीजन लेना है और वही आपके लिए बेटर रहेगा। निश्चित तौर पर बिजनेस आज विस्तार देख सकता है, उसका विस्तार हो सकता है। आपके जो सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा आज आपको। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में दूध का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। निश्चित तौर पर आज आपका जो करियर है वो एक नई करवट ले सकता है। पैसों को लेकर भी चिंता नहीं करनी है क्योंकि समय आने पर सब व्यवस्था हो जाएगी, आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लिव इन द गॉड। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि कोई आप नई राह पकड़ ले, नई सोच पकड़ ले, निश्चित तौर पर आपका करियर भी उसके साथ रफ्तार पकड़ सकता है। आज के दिन सोच समझकर किया गया जो निवेश है 101% आपको प्रॉफिट देगा। कुछ अधिकारी आपकी बातों से सहमत होंगे आज और कुछ अधिकारी आपके काम में थोड़ी सी टांग भी अड़ा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, जैसलमेर से पुष्पा जी हैं, जो कि अपनी माताजी पद्मा जी के लिए जानना चाहती हैं। पर पंडित जी, इन्हें अपनी माताजी की ना तो जन्म की तारीख पता है और ना ही उनके जन्म का समय पता है। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मुझे अपने माता जी के बारे में पूछना था। वो बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं और उनको मन ही नहीं लगता कहीं, बस बहुत ज्यादा ही बीमार रहते हैं, एकदम बिल्कुल शरीर एकदम सूख गया है। उम्र कितनी होगी? करवाया कोई डॉक्टर से, इधर उधर कोई फायदा ही नहीं होता। उम्र कितनी होगी बेटा? उम्र 60 साल। ओके, देखो पुष्पा, अभी आपकी माता जी के नाम से हमने एक प्रश्न कुंडली बना दी है। जो आपने अभी प्रश्न किया है उसी प्रश्न के अनुसार कि आपके माता जी का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है, उसका क्या कारण है और कब तक ऐसा रहेगा और कब तक वो ठीक होंगी। तो प्रश्न कुंडली ये कहती है कि आपके माता जी के शरीर के अंदर बुध और शुक्र की युति बनी हुई है, लेकिन केतु जो है वो अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव में जब केतु बैठता है तो वो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव कर देता है। केतु मतलब सांप की पूंछ। जैसे सांप का मुंह सीधा नहीं चलता है, वैसे सांप की पूंछ भी कभी सीधी नहीं चलती है, तो वो उतार चढ़ाव कर देता है। तो ये जो केतु है ये कारण बन रहा है आपकी मदर के स्वास्थ्य में, हेल्थ में जो उतार चढ़ाव है, फ्लक्चुएशंस जो आ रहे हैं उसका कारण। सरल से उपाय क्या करने हैं? पहला उपाय तो आपको ये करना है कि माता जी के सिरहाने के पास में
जब रात को सोती हैं तब उन सिराने के पास में पक्षियों को खिलाने वाला जो दाना होता है वो एक या दो मुट्ठी माताजी के हाथ की एक दो मुट्ठी एक कटोरी में भर के रख दीजिए। सुबह उठ के पक्षियों को खिलाइए। 40 दिन ये उपाय करिए, निश्चित तौर पे आपकी माताजी का जो सेहत है वो बहुत आपको सुधार पे दिखाई देगी। कन्या राशि है उनकी, अपने हाथ से गौ सेवा नियमित रूप से अगर वो करती हैं तो भी उनको सेहत में सुधार दिखाई देगा। सोते समय सिर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका जो सिर है वो पूरब दिशा में रहना चाहिए और पांव जो है वो पश्चिम दिशा में रहना चाहिए, तभी इनके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जियां इनको खूब खिलानी और 3 महीने पश्चात यानी अक्टूबर के महीने के पश्चात इनके स्वास्थ्य में बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बाकी और किसी तरह की चिंता करने जैसी बात नहीं, इनको भूलेगा, सूर्य भगवान को जल भी अवश्य चढ़ाए। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अजय जी हैं झुंझुनू से। इनकी जन्म की तारीख है 25/6/1967, उनके जन्म का समय है शाम का 5:35 का। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हेलो जी, अजय जी, अभी मेरे बच्चे ने सीए का एग्जाम दिया है, उसमें वो सफल रहेगा कि नहीं? तो आप... दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भविष्य के क्या है आगे का जो है? देखिए अजय जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके बच्चे का सीए में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको आपके बच्चों की बर्थ डिटेल देनी जरूरी थी। रही आपकी कुंडली की बात, तो शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि आपकी जन्म कुंडली में संतान घर के अंदर ही बैठा है पंचम भाव में, और शनि की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। शनि की महादशा, केतु का अंतर, केतु का अंतर खत्म होगा अक्टूबर 2016 में। केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नेक टेल, सांप की पूंछ है। तो अभी जो फिलहाल आपका समय चल रहा है वो अक्टूबर तक थोड़ा फ्लक्चुएशन वाला है, निश्चित तौर पे उसके बाद जो समय आपका है वो अच्छा आएगा। संतान के हिसाब से भी अगर देखें तो अक्टूबर के बाद का जो समय है वो उसके लिए बेहतर होगा, अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, गुरु आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है भाग्य स्थान के अंदर, उसके साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध बुध आदित्य योग भी है। आगे आने वाला जो समय है 3 साल का वो अच्छा आ रहा है। एक लोहे का छल्ला आपको मध्यमा उंगली के अंदर धारण करके रखना और एक येलो सफायर पुखराज रत्न आता है वो भी, अगर आप संतान का पूरा पूर्ण सुख चाहते हैं, भाग्य का पूरा पूर्ण सुख चाहते हैं, तो पुखराज रत्न आपको अंगूठे के पास वाली फिंगर में आपको धारण करना है गुरुवार के दिन 3.5 या 5 रत्ती का गोल्ड के अंदर। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, वो भी 7 बार, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सोनिया है श्रीगंगानगर से, जो कि अपनी पुत्री आशिना के लिए जानना चाहती है। आशिना की जन्म की तारीख है 29/3/2007 और जन्म का समय है सुबह का 11:11 का। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं बेटी के बारे में पूछना चाह रही थी जी, बेटी की पढ़ाई में नहीं उसका अभी मन लगता। आपने इसकी अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है उसकी पूजा कराई? जी कराई थी मैं सर, 27 दिन में जो गणमूल की पूजा होती है। जी हाँ जी, ठीक है। देखिए सोनिया जी, आपकी जो बच्ची है आशीना, पहली बात तो यह है कि नाम ही बहुत अच्छा है इस बच्ची का। ऐसे इस बच्ची का भाग्य और जीवन में इसका जो कैरियर है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। समस्या क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि इस बच्ची को 2013 से केतु की महादशा चल रही है, वो खत्म होगी 2020 में, 2020 में, और अभी तो मुश्किल से ये बच्ची शायद 8-9 साल की बच्ची हुई है, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन इस बच्ची का जो गोल्डन पीरियड शुरू होगा 2020 से, यानी जब लगभग ये 10 साल की हो जाएगी। केतु मतलब सांप की पूंछ, टेढ़ी चलती है, उसी तरीके से इसके आचार विचार में, दिमाग में अभी थोड़ी सी अस्थिरता दिखाई देगी। अगले 3 साल बाद में ये बच्ची के 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। कुंडली बहुत अच्छी है, जिस घर में जाएगी उस घर में राज करेगी। सरकारी नौकरी का पूर्ण योग है, एजुकेशन का इसका पूर्ण योग है, अच्छे से पढ़ाई करेगी, बहुत ही मतलब इसका उज्जवल भविष्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैनेजमेंट सेक्टर में, लॉ सेक्टर में,
बड़ी सफलता हासिल कर सकती है, उसके साथ IAS RAS इस तरह के कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकती है। एक चूंकि मांगलिक है बच्ची, तो एक चांदी का चंद्रमा सोमवार के दिन इसके गले में डाल दीजिए। सोते समय बच्ची का जो सिर है वो पूर्व दिशा में रखिए और साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान जो है वो गौशाला में करिए और महीने में एक बार इस बच्ची के नाम से आपको पक्षियों को दाना खिलाना है। 1.25 किलो अनाज ले लीजिए, महीने में एक बार पक्षियों को इसके माता पिता को बोलिए कि वो खिलाएंगे तो निश्चित तौर पर इस बच्ची के कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, पढ़ाई में ध्यान भी रहेगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी के अंदर या व्यापार में जिस तरक्की पर, जिस उन्नति पर आपने अपनी निगाहें लगा रखी थी, अप्रोच लगा रखी थी, उसके लिहाज से आज का दिन अच्छा है, काम का है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव के मंदिर में शिव दर्शन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किए गए कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, विशेषकर फाइनेंशियली जो भी रिलेटेड है, पैसों से संबंधित जो भी काम है उनको आज करना है और उसका पूरा परिणाम आपको मिलने के योग है। नौकरी करियर के क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प अपने पितरों की तस्वीर पर अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी सिचुएशन में आपको किसी की भी आलोचना नहीं करनी है, चाहे आपकी बात कितनी भी सही क्यों ना हो, जो भी समस्या है उससे निपटने का रास्ता आज आपको मिल सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा जैसे खीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक और जुड़ी है हमारे साथ, सुमन जी हैं बीकानेर से। पंडित जी, ने अपनी जन्म की तारीख नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ अपने जन्म का समय पता है अंदाजन, जो कि ये बताती हैं शाम का 7 बजे से लेकर 8:30 के बीच का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। जय कृष्णा पंडित जी। जय कृष्णा बेटा। जी सर, मुझे अपने विवाह के बारे में पूछना था, कब तक होगा? बहुत प्रयास किए पर अभी घर वालों को सफलता नहीं मिली और मेरे मुझे लगता है पंडित जी तकनीकी खराबी के चलते कुछ उनका संपर्क टूट गया है हमसे। देखो बेटा सुमन, चूंकि आपसे बात पूरी नहीं हुई, लेकिन आपकी शायद विवाह से संबंधित कोई मैटर है जिसमें आपको लग रहा है कि काफ़ी सालों के पश्चात भी, प्रयास करने के पश्चात भी आपका विवाह नहीं हो रहा, आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम आपकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो प्रश्न कुंडली के अंदर जैसे अभी समय हुआ है सुबह 7:40 के हिसाब से, अगर हम आपकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि चूंकि आपके विवाह के घर का जो स्वामी है, दाम्पत्य सुख के घर का जो स्वामी है शनि, वो वक्री होकर बैठा है और वो भी शत्रु राशि में। इसका इंडिकेशन ये है कि या तो विवाह होता नहीं है और विवाह हो जाए तो विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता है, ये समस्या दिखती है। तो अब आप ये पूछेंगे कि आगे कब तक, क्या ऐसा कभी होगा ही नहीं विवाह? तो ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पे आपका विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरल से उपाय, मैं आपको एक बात कहता हूँ बेटा सुमन, यू कैन चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर स्टार। आप आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आप आपके ग्रहों को बदल सकते हैं। मन में एक श्रद्धा चाहिए, एक विश्वास चाहिए और हम इस श्रद्धा और विश्वास से चमत्कार कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं। करना क्या है आपको, घर के अंदर एक पौधा, गमले के अंदर एक तुलसी जी का पौधा और एक केले का पौधा लगा दीजिए। तुलसी जी का पौधा और केले का पौधा दोनों साथ साथ लगा दीजिए। प्रतिदिन उसके समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए, जल अर्पण कीजिए और उसके बाद प्रतिदिन 108 बार परिक्रमा कीजिए, ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, या ओम विष्णवे नमः महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णवे नमः महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करते जाइए, लगातार 40 दिन तक ये उपाय कीजिए। बीच में जब नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 40 डेज का नियम बांधिए कि मुझे कुल मिला के 40 दिन ऐसा करना है। आप देखेंगे कि आपके सामने जो बंद रास्ते हैं वो खुलने लग गए हैं, विवाह के ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। सावन का महीना आने वाला है, भगवान शिव की आराधना कीजिए, निश्चित तौर पे अगले 3 महीनों के अंदर आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में अवश्य धारण कर लीजिएगा, छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो। तो मैंने ऐसा उपाय बताया जिसमें कुछ पैसा नहीं है,
बस आपको तुलसी के पौधे और केले के पौधे की पूजा करनी है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है और फिर आप चमत्कार देखिएगा। चलिए दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मजा आएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।